वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्राउन ब्यूटी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे घर पे ही आप डीआईवाई बीबी क्रीम बना सकते हो। हाँ जी, डीआईवाई छोटी मोटी चीजें चाहिए आपको, उसमें से इनफैक्ट कुछ चीजें ऑप्शनल भी, अगर आपके पास नहीं है तो ना सही, कोई बात नहीं, वो डालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो एडिशनल चीज है थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देने के लिए। जैसे मैंने आज जो मेकअप क्रिएट किया, ये बीबी क्रीम से ही क्रिएट किया, नो फाउंडेशन, नथिंग एक्सेट्रा, सिर्फ बीबी क्रीम लगाई है, उसके ऊपर कॉन्टोरिंग करके मेकअप रेडी। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं ये डीआईवाई क्रीम। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि डीआईवाई बीबी क्रीम क्यों, जब मार्केट्स में इतनी सारी अवेलेबल है, आप कोई भी आराम से खरीद सकते हो, तो वो क्यों? उसके कुछ रीजंस है। पहला तो ये कि जो आपकी बीबी क्रीम होती है, एक तो उसकी टोन जो है ना, कभी भी मुझे तो आज तक मैचिंग टोन की कभी भी मार्केट में नहीं मिली है। तो जो आप डीआईवाई की बनाओगे वो आपके स्किन टोन से मैच करेगी और काफी इफेक्टिव, आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज आउट हो जाएगी। दूसरी की इसके बाद आपको फाउंडेशन वगैरह और एक्स्ट्रा चीजें की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा चीजें की। आपको ना मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है, ना आपको और प्राइमर लगाने की जरूरत है। जब ये सारी चीज आप स्किप कर सकते हो, मेकअप क्विकली हो सकता है, तो क्यों नहीं बना सकते आप ये क्रीम? इनफैक्ट जो आप मार्केट में, तीसरी बात, एक और जो मार्केट में खरीदते हो उसमें इतने आप जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आज डालोगे वो मार्केट वाले में तो मिलेंगे ही नहीं आपको। मार्केट वाले में केमिकल्स ज्यादा होते हैं, तो ये कंपैरेटिवली सेफ भी है। तो मैंने आपको तीन तीन रीजन तो दे दिए हैं डीआईवाई क्रीम यूज करने के बीबी वाली। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये क्रीम। सबसे पहले तो आपको एक खाली कंटेनर लेना है। मेरे पास ये मेरी ये क्रीम थी जो ख़त्म हो गई थी, अब तक पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों पड़ा हुआ था, शायद इसी दिन के लिए था। साथ में एक स्पून लेनी है, छोटी वाली ली है मैंने क्योंकि इसके अंदर वही अच्छे से वर्क कर पाएगी। और ये जॉय की क्रीम लेनी है आपको, छोटे वाली 10 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में। अगर ये नहीं तो सब्स्टिट्यूट आप निविया क्रीम यूज़ कर सकते हो। साथ में मैं ये वाली क्रीम यूज़ करूँगी अपनी प्लम की, ये काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करनी तो जॉय वाली ज़्यादा यूज़ कर लेना, लैक्टोकैलामाइन है ये आपका कंपलसरी है, ये भी चाहिए आपको। एलोवेरा जेल भी आपके लिए कंपलसरी है यूज़ करना। फिर आता है आपकी कोई भी आप लोशन ले सकते हो, बॉडी लोशन जो यूज़ करते हो, ये थोड़ा एडिशनल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर आपको रोज़ वाटर लेना है या फिर डीआईवाई हमने जो बनाया था आपका मेकअप फिक्सर वो, और ये भी एडिशनल है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी भी अगर नहीं है तो। और साथ में आपको ये वाली क्रीम लेनी है इंस्टेंट वाइटनेस वाली, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी क्रीम। सबसे पहले हाफ स्पून मैं छोटे वाली हाफ स्पून इस क्रीम की ले लूँगी, जॉय वाली क्रीम की। आपके पास जॉय क्रीम नहीं है तो जैसे मैंने कहा आप निविया क्रीम यूज़ कर सकते हो, वो भी इसी की तरह थोड़ी स्टिकी होती है और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होती है। और आप जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम दिखाई थी, अगर आपके पास वैसी कोई नहीं है तो आप जॉय वाली क्रीम या फिर जो निविया की यूज़ करोगे उसको थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लेना पहले से ही। तो इसमें मैं अपना बॉडी लोशन डाल रही हूँ, ये हाफ स्पून लिया है मैंने। और ये जो मैंने आपको कहा था आपके लिए एडिशनल, अगर ये नहीं है तो आप इसी की जगह सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना जैसे मैंने बोला निविया या जॉय वाली क्रीम थोड़ी एक्स्ट्रा यूज़ कर लेना। आप फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें डालेंगे हम लैक्टोकैलामाइन क्रीम, वो भी मैं हाफ स्पून लूँगी। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए तो आप फुल स्पून भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्पून ली है। नाउ लेट्स मिक्स इट अ बिट। अब इसमें मैं एलोवेरा जेल डालूंगी हाफ, ये छोटे वाली हाफ स्पून आपको लेनी है एलोवेरा जेल। और अब लेंगे हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसको बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी देगा और बहुत अच्छा बीबी क्रीम की तरह काम करेगा, फाउंडेशन। मैं अपने दोनों फाउंडेशन यूज़ करूँगी, पहले ये लाइट वाला हाफ स्पून डाल रही हूँ मैं फाउंडेशन, फिर मैं अपना दूसरा थोड़ा डार्क वाला फाउंडेशन डालूंगी, वो मैं हाफ से भी हाफ स्पून डालूंगी, मतलब काफ़ी कम डाला है वो मैंने, ये देख सकते हैं आप। अब इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है और अभी से बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। फाइनली इसमें हमने ये मैजिकल क्रीम डालूंगी जो इंस्टेंट वाइटनेस देती है। ये आपके लिए एडिशनल ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले से ही क्रीम वाली क्वांटिटी ज़्यादा ले लेना, आपका उसी से काम चल जाएगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थिक आई है, आपकी भी ऐसी थिक आनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेना उसको। अगर आपको इतनी थिक पसंद ना हो तो आप इसमें थोड़ा रोज़ वाटर मिला सकते हैं, मैं एज सच इतना नहीं मिलाऊंगी, एक तो वो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, प्लस मैं ज़्यादा थिक ही प्रेफर करती हूँ, उससे क्या है मेकअप ज़्यादा स्टे करता है, अच्छा स्टे करता है। देखो ज़रा सी मिलाई है मैंने यहाँ पे, तो इससे अच्छा स्टे करेगा। और ये बिल्कुल मतलब ना मात्र मिलाई है, अब ना भी मिलाओ ना तो इसके बिना काम चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी तीन चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल ही है, जो मैंने अपनी लोशन वाली अच्छी खुशबू के लिए, मैंने बेसिकली वो अच्छी खुशबू के लिए डाली थी, अपनी जो प्लम वाली क्रीम यूज़ की थी, क्योंकि क्या है ना मैं अपनी मेकअप वाली क्रीम को मेकअप जैसा नहीं स्मेल करवाना चाहती, इसलिए अदरवाइज जॉय वाली वगैरह निविया वाली ज़्यादा मिलाओगे उसी से काम चल जाएगा। चलिए अब ये जो रिमेनिंग है ये लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम क्रीम्स वगैरह जो भी चीज़ों वेस्ट नहीं करते। चलिए इसको फटाफट मिला लेते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल फाउंडेशन लगेगी ही नहीं कि ये फाउंडेशन है। देखिए आप देख सकते हैं डिफरेंस मेरी फिंगर और मेरे हैंड में, देखो थोड़ा हाथ के ऊपर की साइड भी दिखा देती हूँ, वहाँ पर भी आप थोड़ा इसका डिफरेंस अच्छे से देख पाएंगे। देखना अभी ये देखिए फिंगर्स में तो आराम से डिफरेंस देख ही रहे हैं आप, साथ ही साथ अभी ये थोड़ा हाथ के पीछे की साइड देखिए बहुत अच्छे से डिफरेंस आ रहा है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये फाउंडेशन है, बीबी क्रीम इतनी अच्छे से। दोनों हाथों का डिफरेंस देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी इफेक्टिव क्रीम है। इट एक्चुअली वर्क्स लाइक मैजिक। तो कैसा लगा आज का मेरा ये हैक? अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो, और मेरी बीबी क्रीम अच्छी लगी हो तो और जल्दी लाइक करें वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने ये मस्कारा बनाया है घर पे ही, कलरफुल मस्कारा पिंक कलर का, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है और पार्टीज वगैरह के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, अगर आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड में मिल जाएगा। प्लस अगर ये क्विक मेकअप भी जानना चाहते हो कि ये वाली बीबी क्रीम यूज करके कैसे आप क्विक मेकअप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, तो उसके लिए भी जाके आप वीडियो देख लीजिए मेरी दूसरे वाली। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में और अच्छे DIY हैक के साथ। बाय बाय।